फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको तिलवाड़ा ताल के ताल का परिचय, उसके विभिन्न लयकारियाँ इकुन, दुगुन, तिगुन और चौगुन बहुत ही आसान तरीके से लिखना सिखाने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल का परिचय करने से पहले हम देख लेते हैं इसकी इकुन। इकुन अगर आप इसकी लर्न कर लेते हैं तो इसका परिचय लर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी इकुन। इकुन की लयकारी, इसको हम ठाह भी बोलते हैं, ठेका भी बोलते हैं और इकुन भी बोलते हैं। इसमें से कुछ भी लिखा हुआ आता है तो आपको इकुन की लयकारी ही आपको लिखनी है। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ठाह क्या है और ठेका क्या है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम मात्राएं जो होती हैं इसमें। मात्राएं, मात्रा मतलब ये जो काउंटिंग्स हैं, ये हैं 16 काउंटिंग्स, 16 मात्राएं हैं और इसमें चार विभाग हैं, मतलब चार चार मात्राओं के चार पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो पहले विभाग में भी चार मात्राएं, दूसरे में भी चार, तीसरे में भी चार और चौथे में भी चार। तो इस प्रकार इसमें चार विभाग हैं। इसके बोल हैं धा, तिरकिट, तिरकिट एक ही मात्रा में है, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन। तो इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको केवल शुरू के 8 बोल इसको लर्न करने हैं। सबसे पहले धा, तिरकिट, धिन, धिन, ये वाला पार्ट लर्न करने के बाद धा, धा, तिन, तिन। अब ये वाला जो पार्ट है 8 मात्राओं वाला जो है, 8 मात्रा तक धा, तिरकिट, धिन, धिन, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों की जगह, ये जो ये वाला धा है इसकी जगह ता आ जाएगा, ता, तिरकिट, धिन, धिन, और ये जो तिन तिन था ये धिन धिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस पहला वाला और लास्ट के ये दो ये ही चेंज होंगे आगे वाले में। तो धा की जगह ता और तिन तिन की जगह धिन धिन। तो इस प्रकार धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन और इसकी जगह हुआ ता, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन। तो इस प्रकार हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई। अब आपको आगे याद करना है, साइन याद करने हैं, सम 2 0 3। मैंने बताया हुआ है हर वीडियो में कि जब कोई भी ताल स्टार्ट करते हैं, ताल का जो विभाग में सबसे पहली मात्रा होती है उस पर हम साइन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। तो हमने सम 2 0 3 लर्न किया है। तो हमने सम, सबसे पहली मात्रा विभाग की ये है सम, ये दूसरा विभाग है, सबसे पहली मात्रा है 5, इस पर हमने लिखा 2। तीसरे विभाग में सबसे पहली मात्रा है 9, तो ये इस पर हमने लिखा 0। चौथे विभाग में सबसे पहली मात्रा है 13, तो इस पर हमने लिखा 3। तो इस प्रकार ये जो काउंटिंग्स होती हैं और ये क्रॉस होता है, ये होती है हमारी ताली। तो 1, 5 और 13 पर हमारी ताली है और 9 मात्रा पर हमारा 0 मतलब खाली है। तो इस प्रकार पहली, पांचवी और 13वीं पर ताली, 9वीं पर खाली। तो परिचय देखिए बहुत आसान हो गया है हमें लर्न करना कि इसमें हमारी 16 मात्राएँ होती हैं, विभाग 4 होते हैं। MCQs में आ सकता है कि ये किस विभाग व्यवस्था जो है, ये विभाग व्यवस्था किस ताल की है। तो 4 4 4 4 ये तिलवाड़ा ताल की है। ताली हमारी 1 5 13 मात्रा पर है, खाली 9वीं मात्रा पर है। बस आपको 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लर्न करने हैं इसमें कि इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है और इस ताल में बड़े ख्याल और ध्रुपद गाए जाते हैं। आपको पूरी ताल में इतना लर्न होना जरूरी है, तिलवाड़ा ताल का परिचय और इसकी इकुन, इससे ही हमारी दुगुन, तिगुन, चौगुन की लयकारियाँ बन जाएंगी। सबसे पहले आपका इकुन आपको लर्न करना जरूरी है। इसमें 3 लाइंस करनी है, पहली लाइन पे मात्रा, दूसरी लाइन में आपको करने हैं इसके बोल, तीसरी लाइन में चिन्ह। जब भी आप लिखने जा रहे हैं तो ये तीनों लाइन चेक करें कि आपने अच्छे से लिखे हैं और इसके बोल, विभाग व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब इसकी लयकारियाँ दुगुन, तिगुन, चौगुन। तो आइए स्टार्ट करते हैं दुगुन। दुगुन लिखने के लिए हम इस पूरी ताल को लिखते हैं पहले 2 बार। तो आइए
तो मैंने इस पूरी ताल को दो बार लिख दिया है, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। फिर ये एक बार फिर से, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। तो ये पूरी मैंने ताल को मैंने दो बार लिखा है। अब दो बार लिखने के बाद इसको हम टू टू के पेयर्स में बांधते हैं, तो वन और टू, दुगुन है इसलिए हमने इसको टू के पेयर्स में बांधा है और टू टाइम्स ही हमने इसको लिखा है। ध्यान रहे कि बोल ना तो कम पढ़ने चाहिए और ना ही ज़्यादा होने चाहिए। तो ये सब होने के बाद हम ऊपर लिखेंगे इसमें काउंटिंग्स, इसके मात्राएं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। तो हमारे जो मात्राएं हैं वो बिल्कुल करेक्ट बैठी हैं। अब हम बनाएंगे इसके विभाग, चार चार के विभाग हैं इसके। तो पहले चार मात्रा का विभाग, फिर दोबारा चार मात्रा का विभाग, फिर तीसरी विभाग और ये चौथा विभाग। तो चार चार मात्राओं के विभाग बन गए हैं। अब इसके लगाते हैं हम साइन, सम टू ज़ीरो और ये थ्री। तो ये हमारा चार चार मात्राओं का विभाग बन गया है, ये है इसकी दुगुन। इसको हमने पूरा दो बार लिखकर इसको हमने किया है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी तिगुन। तिगुन लिखने के लिए हम इस पूरी ताल को लिखेंगे तीन बार, इसके हम तीन बार बोल लिखेंगे। अब मैंने इस पूरी ताल को तीन बार लिख लिया है सीधे सीधे, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। इस पूरी ताल को मैंने लिख दिया है अब तीन बार और इसको हम करेंगे अब तीन तीन के पैर में इसको बांध देंगे। तिगुन है तो इसलिए हमने इसको तीन तीन के पैर में बांधना है। तो इस प्रकार मैंने इसको तीन तीन के पैर में बांध दिया है। अब इसके ऊपर लिखेंगे हम काउंटिंग्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन और इसके चार चार के पेयर कर देंगे। इसमें हमने लगाने हैं साइन, सम टू ज़ीरो थ्री। इस प्रकार हमारी ये तिगुन कंप्लीट हो गई। तो आइए अब हम लिखते हैं इसकी चौगुन। चौगुन लिखने के लिए हम इस पूरी ताल को लिखते हैं चार बार। अब मैंने इस पूरी ताल को चार बार लिख लिया है, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। दूसरी बार, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। तीसरी बार, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। और ये चौथी बार, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। अब इसको हम चौगुन कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको चार चार के पैर में बांध देते हैं। अब इसको मैंने चार चार के पैर में पूरे ताल को बांध दिया है। अब देखते हैं इसमें पूरे 16 मात्राएं कंप्लीट होनी चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके हम विभाग करते हैं, ये पहला विभाग और ये दूसरा, तीसरा विभाग, ये चार विभाग, 1, 2, 3, 4, ये चार विभाग बन गए हैं। इनके साइन लगाते हैं सम, 2, 0 और ये 3। तो इस प्रकार हमारे विभाग, साइन, मात्रा सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी चौगुन भी कंप्लीट कर ली। तो इस प्रकार हमने की तिलवाड़ा ताल का परिचय और विभिन्न लयकारियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।